टीवी 9 भारतवर्ष पर बोले पुतिन के पूर्व सहयोगी, सर्दियों में होगी अब तक की सबसे भीषण जंग। तो उधर बेलारूस के लुकाशेंको ने दी तबाही की चेतावनी, कहा आ रही है यूक्रेन के संपूर्ण विध्वंस की घड़ी। ग्लोबल लीडर्स में फिर नंबर वन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में भारतीय प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा 77% अप्रूवल रेटिंग। नंबर दो पर ऑस्ट्रेलिया IPM, जबकि सिर्फ 41% रेटिंग के साथ जो बाइडेन नंबर तीन पर। राजस्थान कांग्रेस में फिर दिखी बड़ी कलह, अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया, कहा पायलट कभी CM नहीं बन पाएंगे। सचिन पायलट का जवाब, गहलोत जैसे नेता के मुंह से इस तरह के बयान शोभा नहीं देते। पॉलीग्राफ टेस्ट में सहयोग नहीं कर रहा है आफ्ताब, सवालों के जवाब से बचने की कर रहा है कोशिश। श्रद्धा हत्याकांड में आज फिर पुलिस कर सकती है हत्यारे से सच उगलवाने की कोशिश। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस में लगी भीषण आग, 10 घंटे बाद भी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। 100 से ज्यादा दुकानों में आग, 25 से ज्यादा गाड़ियां आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी, करोड़ों का सामान जलकर खाक। आंध्र प्रदेश के काकीनाड़ा में बीच नदी में आग से मचा हड़कंप, 2 जलती नाव में अब भीषण आग लग गई। अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं, नाव में ज्वलनशील पदार्थ होने की आशंका।